हेलो एंड वेलकम टू द अकाउंटिंग टिप्स यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई वे बिल के बारे में, यानी कि ई वे बिल का जो रजिस्ट्रेशन है वो आप कैसे कर सकते हैं और उसके बाद जनरेट कैसे कर सकते हैं और उसके लिए कौन सी डिटेल आपको चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में यहाँ पर टाइप करना होगा ई वे बिल .nic.in और उसके बाद यहाँ पे आपको ई वे बिल की पहली यहाँ पे वेबसाइट पे जाना होगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा ई वे बिल रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे नीचे, तो उस पर क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको ई वे बिल के रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे आपको दो चीज़ों की आवश्यकता होगी, एक GST नंबर और दूसरी यहाँ पे कैप्चा कोड एंटर कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे GST नंबर एंटर कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड जो दिया हुआ है वो टाइप कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे आपकी डिटेल जो है जो GSTN पोर्टल से ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है, यहाँ पे डिटेल जो है वो GST साइट से ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप सेंड OTP पे क्लिक करके यहाँ पे आपके ईमेल रजिस्टर ईमेल आईडी में आपको यहाँ पे OTP भी सेंड किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पे आपके रजिस्टर नंबर में भी आपको OTP मिल जाएगा। तो यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे OTP ईमेल आईडी और यहाँ पे फाइनली यहाँ पे मेरे ई रजिस्टर ईमेल आईडी में यहाँ पे OTP आ चुका है, तो वो OTP मैं एंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डिटेल फिर एक बार चेक करके यहाँ पे वेरीफाई OTP पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो उसके बाद यहाँ पे आपको यूज़र नेम चूज़ करने के लिए बोले गए, आप कोई भी यूज़र नेम चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना GST नंबर ही दे देता हूँ और उसके बाद पासवर्ड आप जो भी डालना चाहते हैं वो यहाँ पर टाइप कर दीजिए और उसको री एंटर कर दीजिए और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका यूज़र आईडी है वो क्रिएटेड हो जाएगा। तो उसके बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पे लॉगिन करना है, जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया है वो डाल के। तो यहाँ पे हम ई वे बिल के डैशबोर्ड में यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन नज़र आएगा ई वे बिल जनरेटेड बाय मी, यानी कि आपने जितने ई वे बिल जनरेट किए हैं वो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली करेगा और आपने ई वे बिल जितने कैंसिल किए हैं उसका कैलकुलेशन यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे रिजेक्ट, आपने जो ई वे बिल रिजेक्ट किए हैं तो उसका कैलकुलेशन यहाँ पे हो जाएगा। और आपके GST नंबर पे कोई अदर पार्टी ने यहाँ पे ई वे बिल जनरेट किया है तो वो भी यहाँ पे काउंट हो जाएगा। और आपने आपका ई वे बिल जो कोई अदर पार्टी ने रिजेक्ट किया है तो यहाँ पे उसका यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक नोट नीचे लिख के आ रही है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन टैक्स पे रेड बिन रिलीटेड एंड्रॉयड रजिस्टर IMEI, यहाँ पे जो ई वे बिल की वो मोबाइल ऐप है वो भी आने वाली है। तो उसके बारे में यहाँ पर आपको नोटिस दी गई है। तो उसके बाद यहाँ पर आप डैशबोर्ड में पहला ऑप्शन ई वे बिल में यहाँ पर आप जाएँगे तो वहाँ पे आपको जनरेट न्यू ई वे बिल का एक ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे अपडेट व्हीकल नंबर का भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जनरेट न्यू ई वे बिल को यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे है ट्रांजेक्शन टाइप आउटवर्ड है या इनवर्ड है, अगर आप परचेस कर रहे हैं तब भी आपको ई वे बिल यहाँ पर जनरेट करना है। और यहाँ पर सब टाइप सिलेक्ट करना है, सप्लाई हो रही है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जॉब वर्क के लिए यहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं या फिर कोई पर्सनल यूज़ के लिए या फिर एग्जीबिशन फेयर के लिए या फिर कोई अदर यहाँ पे आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप, तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट टाइप बिल ऑफ सप्लाई, यहाँ पे आप कंपोजिशन से आप बेच रहे हैं या फिर परचेस कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे चलन या फिर क्रेडिट नोट और यहाँ पे टाइप सिलेक्ट कर लीजिए।
उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर दे दीजिए। यहाँ पे मैंने एक बिल पहले से ही यहाँ पे बना के रखा है, तो उसके लिए उसके देख कर ही हम चलते हैं। तो यहाँ पे 55 बिल नंबर है, तो यहाँ पे वो एंटर कर दीजिए और उसकी डेट यहाँ पे, और ये जो डिटेल है वो ऑटोमेटिकली फिल कर लेगा। और उसके बाद आपको परचेजर की डिटेल यहाँ पे ऐड करनी है। तो उसके बाद यहाँ पे ऐड कर दीजिए डायरेक्टली। और यहाँ पे एड्रेस, अब जो भी एड्रेस पे आप सेल कर रहे हैं और यहाँ पे पिन कोड नंबर डाल दीजिए। और यहाँ पे स्टेट, और उसके बाद यहाँ पे आइटम डिटेल, यहाँ पे आप आइटम का अपना नाम दे देना है। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, ये दोनों ऑप्शनल है, लेकिन यहाँ पे HSN कोड है वो यहाँ पे कंपलसरी है। उसके बाद टोटल क्वांटिटी, आप कितनी क्वांटिटी यहाँ पे बेच रहे हैं, तो यहाँ पे बिल के हिसाब से हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। और उसका यूनिट किस में है, और उसकी टैक्सेबल वैल्यू, यहाँ पे हमें टैक्सेबल वैल्यू फिल कर देनी है अपने बिल के हिसाब से। और यहाँ पे CS और IGST आपको जो है वो यहाँ पे एंटर कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पे आप दूसरी आइटम भी ऐड कर सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ से। और इसके आपको नहीं चाहिए वो दूसरी आइटम ऐड नहीं करना चाहते, तो यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टर की डिटेल फिल करनी है। माने अब ट्रांसपोर्ट से आप माल भेज रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का नेम, ट्रांसपोर्ट ID, और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का डॉक्यूमेंट नंबर है, और ट्रांसपोर्ट की जो डेट है वो यहाँ पे डालनी है। अगर ये डिटेल आपके पास नहीं है, तो यहाँ पे आप अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इन किलोमीटर में डाल सकते हैं, और उसका व्हीकल नंबर भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो आपको ये बिल जनरेट हो जाएगा, वो कुछ इस तरह का नज़र आएगा। और डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट के बटन पे आप क्लिक कर से करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप ये बिल जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये बिल यहाँ पे कैंसिल का भी यहाँ पे ऑप्शन एक मिल जाएगा आपको। यहाँ पे आपको अपना ई वे बिल का जो नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है, और आपको गो पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपका ई वे बिल जो है वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है, आपने ई वे बिल आप जनरेट करते समय आपने व्हीकल नंबर जो डाला है, अब वो व्हीकल नहीं जा रहा है और दूसरा कोई व्हीकल जा रहा है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो ई वे बिल का नंबर है वो डालना है, और उसके बाद आपको व्हीकल नंबर यहाँ पे चेंज कर देना है। उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली जो ई वे बिल में है वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप ई वे बिल को आप जनरेट कर सकते हैं। और बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे, प्रिंट ई वे बिल जो आपने का आपने पहले से ही निकाला हुआ ई वे बिल है उसके आप प्रिंट निकालने बाकी है, तो यहाँ पे आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप ई वे बिल का जो पूरा पूरा प्रोसेस है वो आप कर सकते हैं। और ऐसे ही ई वे बिल के लिए और बाकी GST के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।